मेस्टरबेशन यस मैथुन, अगर आप करते हो तो आपकी दाढ़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती, आज मैं इस कमेंट का आंसर दे रहा हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। जो भी यंग बॉय हैं, जो यंग मैन हैं, वो ऑब्वियसली कभी ना कभी मेस्टरबेशन जरूर करते हैं, दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार करते हैं। तो उनको ये डाउट होता है कि अगर हम ये मेस्टरबेशन या यस मैथुन कर रहे हैं तो हमारी दाढ़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती। देखो, ये जेनेस्टिक होता है, मैन या बॉय कभी ना कभी ये काम जरूर करता, और अगर वो ये काम नहीं करता तो वो नाइट में फेल जरूर होता है। तो ये तो एक प्राकृतिक नेचुरल रहता है, इससे आपकी बीएड को कोई इफेक्ट नहीं होता। इससे बीएड को तब तक इफेक्ट नहीं होता जब तक कि आपके हार्मोन्स कंट्रोल है, जब तक आपका जो सीमन रहता है वो डिस्चार्ज होता रहेगा तब तक आपके हार्मोन्स बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे। मैन होता है हार्मोन्स, अगर आपके हार्मोन्स डाउन हो गए हैं तो आपकी बीएड नहीं आ सकती, और अगर आपके हार्मोन्स ज़्यादा ओवर हो गए हैं तब भी आपकी बीएड के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको हार्मोन्स मेंटेन करना होता है। इस कमेंट का सिर्फ एक ही आंसर है, आप अगर मेस्टरबेशन कर रहे हो, अस्तमैथुन कर रहे हो, तो उसको लिमिट में करें, ज़्यादा नहीं करें। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे। मीडियम नेचुरल होता है, इससे आपको बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड सिर्फ इससे थोड़ा हस्तमैथुन करने से थोड़ा आपका जो बॉडी है वो वीक होती चली जाएगी एंड आप दुबले होते चले जाएंगे, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको अगर लिमिट में करते हैं तो ये सही रहता है, इसको अगर ज़्यादा करते हैं तो ये आपकी बॉडी, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आप हस्तमैथुन करें, कम करें, हफ्ते में या एक दो दिन में एक बार करें, जिससे आपकी दाढ़ी को कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपकी दाढ़ी जैसी है वैसी रहेगी और अच्छी होती चली जाएगी। ये इस कमेंट का आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।